तनाव या स्ट्रेस कम करने की पांच आदतें, इसके ऊपर मैं आज बातचीत करने वाला हूं। क्या है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे निगेटिव विचार आते रहते हैं और वो विचार आना नॉर्मल है, मतलब विचार नेचुरल है। निगेटिव विचार लाना नहीं पड़ता, निगेटिव विचार ऑटोमेटिक आते हैं, पॉजिटिव लाना पड़ता है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते और कुछ विचार आ जाएगा, हमारा दिमाग भटकते रहता है। हम दिल्ली में हैं तो बॉम्बे के विचार आएंगे और बॉम्बे में है तो दिल्ली के विचार आएंगे। हम मंदिर में हैं तो सिनेमागृह के विचार आएंगे और सिनेमागृह में है तो मंदिर के विचार आएंगे। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम मन से रहते नहीं हैं, क्योंकि निगेटिविटी इतनी भरी हुई है और वो बचपन से भरी हुई है। बचपन में हमारे माँ बाप ने हमको जब परवरिश किया तो बस इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये मत करो, वो मत करो, समझो कुछ फेल हो गए तो बुरा हो गया, फेल होना अच्छा नहीं है, मतलब इतनी निगेटिविटी बचपन से भरी जाती है कि हमको लगता है कि भाई वो तो फेल होना ठीक नहीं है, कुछ करना ठीक नहीं है, डेयरिंग नहीं हो जाती, हर बार निगेटिव निगेटिव आते रहता है। देखो, हर आदमी अपने अपने जीवन में व्यस्त है, हर आदमी अपना अपना लाइफ जो है उसमें एक युद्ध लड़ रहा है, किसी को समय नहीं किसके तरफ ध्यान देने के लिए। तो आप फिर आपके साथीदार हो, आप आपके दोस्त हो, वैसे देखा जाए तो आप लोनली है, अकेले है। देखो, आपको यदि खुशी हो गई या खुशी का कुछ मौका आपके जीवन में आ गया, आप शेयर करते हैं तो लोग मुंह पे बोलेंगे हाँ ठीक है बहुत अच्छा हो गया, अंदर से जलेंगे, अंदर से उनको तो ठीक नहीं लगेगा। और आप दुख में देख के, और आप लोग जब लोगों को दुख बताते हैं तो फिर लोगों को हाँ बाहर से बोलेंगे अरे यार अच्छा नहीं हुआ, अंदर से लगता चलो अच्छा हो गया। इसका मतलब ये क्या है कि लोग कोई आपके साथ में थोड़ी है। तो ऐसे इसमें जब निगेटिव विचार भी आ रहे हैं तो हमको एक मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी रहने के लिए कुछ करना होगा। जैसा फिजिकल हेल्थ हम अच्छी करते हैं तो उसके लिए जिम है, एक्सरसाइज है, वो रोज करना है, तो फिर मेंटल हेल्थ के लिए भी करना होगा। देखो, एक बगीचा है, उसका माली है, अब माली बगीचे में रोज उसका मतलब वो जो पौधे लगाए उसका संगोपन कर रहा है, परवरिश कर रहा है, उसको खाद डाल रहा है, पानी दे रहा है, कांटे आ रहे उसको काट रहा है, या कोई ऐसा घास पत्ती उग रही तो उसको निकाल रहा है, तो बगीचा देखो कितना अच्छा हो जाता है। वैसे दिमाग का है, दिमाग में यदि हम पॉजिटिव विचार नहीं डालेंगे तो निगेटिव विचार आप यहाँ बढ़ते रहेंगे। तो फिर आपको क्या करना है, आपको थॉट्स, इमोशंस जो है, एक्सपीरियंस, ये सब अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। और वो कैसे, अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस देना रोज सुबह शाम। तो ये पहली आदत जो है डेली की, वो है सुबह शाम अफर्मेशंस दो। और अफर्मेशंस देना मतलब कैसा है कि आप शांत बैठे हुए हैं, रिलैक्स है, और रिलैक्स बैठे एकदम बिल्कुल शांत जगह जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, फोन्स नहीं आएंगे, और आप शांत बैठ के अपने आप को अफर्मेशंस देंगे। मैं आपको कुछ अफर्मेशंस बताने वाला हूं, वो मैं आपको दे रहा हूं अफर्मेशंस, आप अपनी भाषा में आपको जो चाहिए वो अफर्मेशंस तैयार करो, मगअप करो, क्रैम करो, और बाद में अपने आप को देना है। तो चलिए मैं आपको कुछ अफर्मेशंस बताता हूं। अब आंखें बंद करके बैठे हुए रिलैक्स है, मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मैं कोई भी समस्या का सामना आत्मविश्वास से कर रहा हूं, रोज सुबह जब मैं बेड से उठता हूं तो मुझे बहुत फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है, और दिन भर मुझे बहुत एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक लगता है, बहुत उत्साहित और जोशीला मुझे फील होता है। मेरे जीवन के हर क्षेत्र में हर रोज दिन ब दिन तरक्की हो रही है, मेरे जीवन में हर रोज हर दिन हर क्षेत्र में तरक्की होते जा रही है। जब जब मेरे दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं तो मैं उसको बाजू में रखता हूँ, उसको महत्व देता नहीं हूँ, और उस समय उसी वक्त सकारात्मक विचार निर्माण करता हूँ। मैं खुद पर प्यार करता हूँ और खुद का स्वीकार करता हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और जैसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ। मैं खुद का स्वीकार करता हूँ और खुद के ऊपर प्यार करता हूँ। मुझे यह पता है कि मेरे जैसा दूसरा कोई भी व्यक्ति है दुनिया में नहीं है, और मैं संपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, अखंड हूँ, अनंत हूँ। मुझे हर काम में सफलता मिल रही है, हर काम मैं पूर्ण करता हूँ। मुझे बहुत शांति, खुशी और समाधान मिल रहा है, मुझे बहुत शांति, खुशी और समाधान मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे शांत और रिलैक्स लग रहा है। मेरी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं आज पूरी होने वाली है। मेरी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं आज पूरी होने वाली है। मैं सभी के ऊपर प्यार करता हूँ और सभी का स्वीकार करता हूँ। वो जैसे है वैसे है, और जैसे नहीं है वैसे नहीं है, उनका
स्वीकार करता हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे आजू बाजू के लोग मुझे जैसे चाहिए वैसे नहीं है, वो आदर्श नहीं है, तभी भी मैं उनका स्वीकार करता हूँ और उनके ऊपर प्यार करता हूँ। तो इस तरह के आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को देना है, सुबह शाम दे तो बहुत ही अच्छा है। और जब आपको बुरा लगता है, दुखी हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तब नहीं देने की है, तब कोई काम भी नहीं आएंगे। जब आपको अच्छा लग रहा है तब देने अफर्मेशंस। आप ये भी कर सकते हैं कि मेरे काफ़ी सारे वीडियोज है यूट्यूब के ऊपर जो पॉजिटिविटी के ऊपर है, इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है, वो वीडियो सुन सकते हैं। रोज अच्छा लगता है, सुबह सुबह उठ के 2-4-5 मिनट का वीडियो सुन लिया सुबह शाम, अच्छा लगेगा। और ऐसे अफर्मेशंस देना है। कबीर ने बोला है कि दुख में सिमरन सब करे सुख में न करे कोई, दुख में सिमरन सब करे सुख में न करे कोई, जब सुख में सिमरन करे तो दुख काय को होई। तो सुख में सिमरन करना है, सुख में स्मरण करके ये जो विचार है, अफर्मेशन से ये लाना है, ताकि आपको दुख आएगा ही नहीं। हम क्या करते हैं, जब हम डर जाते हैं, जब धज्जियाँ उड़ जाती है, तब हम अफर्मेशन देंगे, उस समय कुछ काम की नहीं है। तो ये हो गया नंबर एक हैबिट। नंबर दो, रोज सोने के पहले आप ग्रेटिट्यूड में सोने का है। और ग्रेटिट्यूड उसका मतलब होता है कि धन्यवाद देना, एक्नॉलेज करना, जो भी है उसके लिए समाधानी रहना। जैसा भी मैं अच्छा हूँ, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मेरे पैर काम कर रहे हैं, मुझे अच्छा बेड है सोने के लिए, मुझे सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो जो भी मेरे पास में है उसके लिए आप धन्यवाद देते हो, तो जिसके लिए आप धन्यवाद दे रहे हो वो बढ़ता जाएगा। और आप कंप्लेन करते हो, शिकायत करते रहते हो, तो जिसकी भी आप शिकायत कर रहे हो वो बढ़ता जाता है, वो प्रॉब्लम ज़्यादा ज़्यादा होते जाएंगे। तो आप रोज रात को सोने के पहले ग्रेटिट्यूड में सोने का है। जो भी आपको है, जो भी आपको मिला है, उसके लिए आप धन्यवाद, जिसको भी आप मानते हो, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, जिसको भी आप मानते हो, खुद को, माँ बाप को, उनका नाम लेके कि थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना है कि जो भी मेरे पास में है। नंबर तीन, रात को सोने के पहले नेक्स्ट डे का शेड्यूल बनाओ कि नेक्स्ट डे में क्या करने वाला हूँ, और आधे आधे घंटे का शेड्यूल बनाने का है। जैसे आप कल सवेरे 7 बजे उठने वाले हैं, तो 7 से 7:30 में क्या करने वाला हूँ, 7:30 से 8, 8 से 8:30, 8:30 से 9, 9 से 9:30, 9:30 से 10, ऐसा पूरा कल रात को मैं 11 बजे सोने वाला हूँ तब तक का, जो भी है आपका, ताकि आपको ये पता चलेगा कि भाई आप हर आधा घंटा यूटिलाइज कर रहे हैं, काम में ला रहे हैं, और फालतू का वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जब जैसा आप शेड्यूल लिखते हो वैसे ही आपको दूसरे दिन बिहेव करना है, तो इससे बहुत डिसिप्लिन आएंगी आपके लाइफ में। तो ये हो गया आदत नंबर तीन। आदत नंबर चार जो है, रोज रात को सोने के पहले अपने डायरी में लिखो कि आज मैंने ऐसा क्या किया कि जो मैंने नहीं करना चाहिए था, क्या मैंने ऐसा किया आज कि जो मैंने नहीं करना चाहिए था वो किया, वो लिखो। हो सकता है गुस्सा नहीं करना चाहिए था, हो सकता है किसके साथ में झगड़ा नहीं करना चाहिए था, हो सकता है टाइम पास नहीं करना चाहिए था, हो सकता है फेसबुक नहीं देखना चाहिए था, क्या किया भाई कि भाई जो मेरे गोल की तरफ वो लेकर जाने वाला नहीं था तभी मैंने किया। तो ये चार। और नंबर पाँच जो है कि आज मैंने ऐसा क्या किया कि जिस पर मुझे गर्व है, तो वो भी लिखना है, तो खुद को एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। जो भी छोटी से छोटी बात हो, छोटी भी बात होंगी, जो आपने मिलाई होंगी, जिसमें आपने सफलता पाई होंगी, जो आपने काम किया होगा, फिर उसके ऊपर मुझे गर्व है कि अरे यार मैंने वो किया। तो ये आप करते हैं, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी जो है वो एक नए लेवल पे, बहुत ऊंचाई पे चले जाएंगी। वहाँ भूलने का नहीं है, रोज़ सोने के पहले हैबिट लगाने का है, और ये हैबिट बहुत ही अच्छा हैबिट है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। निगेटिविटी इतनी भरी पड़ी है, लोग निगेटिविटी से हट जाएंगे, और नहीं तो निगेटिविटी आपको हटा देगी, आपको मिटा देगी। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं।
इंस्टामोजो की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।